दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। I'm sure कि कल अगर मार्केट या रोड पे मिलेंगे तो एक दूसरे को पहचाने के भी है नहीं। मुझे तो लगता है भाई साहब बहन जी करके बात करेंगे। कुछ करिए ना। आरती यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। चल बेटा। शोभा जी, सगाई का मुहूर्त तो एक घंटे बाद है, तो तब तक हम रोके की रस्म पूरी कर लेते हैं। जी जरूर। बहुत प्यारी लग रही हूँ। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है आरती। Thank you.
जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं, धड़कनों से है गुजारिश डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। बस बस अब मेरे पे नहीं बिछूगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। बधाई हो संधि जी, अब तो मैं आपको संधि जी कह सकता हूं ना। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बस घर पहुंचते ही पंडित जी से बात करते हैं और शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। पार्टी टाइम चल रहा है, देख ये सब कुछ भुला के कितना खुश है, और एक तू है, ये अपनी दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। अब तो मुस्कुरा दो जाने मन, आज सगाई है तुम्हारी, तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये यही आएगा। हाय लेडी गुंडी, क्या बात है, आज बड़ी चुप है आप, आपकी आवाज सुनने को तरस गए। वैसे उस दिन तो काफी तारीफों के पुल बांधे थे आपने, वैसे मैं भी कम हिम्मत वाला नहीं हूं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, आपको भाभी बना ही लिया ना। लगता है आपको मुझसे बात करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है आपको और यश भैया को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। अब डोंट वरी, मैं कोई चक्कर चलाता हूं। बाय। देखा कहा था ना मैंने, यही आएगा, अपने भाई का मैसेज लेकर आया था। भाई नहीं भेजा होगा इसे कि भाई जा मेरी सेटिंग करा दे, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो बहुत ही फास्ट है यार, संभल के रहना उससे। मुझे लग रहा था कि आरती और यश भैया थोड़ी देर अकेले में बात कर लेते तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। नहीं, बहू ठीक ही कह रही है, यश और आरती को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शोभा जी, जी अगर आपको एतराज ना हो तो
यश और आरती अकेले में थोड़ी देर बात कर लें। भाई ने भाई की सेटिंग करा ही दी। हे भगवान, कहीं आरती ये ना बता दे यश को कि उसका तलाक हुआ है। अगर आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है तो रहने देते हैं। जी वो जी आप सही कह रही हैं। इन दोनों को भी आपस में बात करनी चाहिए। आरती बेटा, यश जी को बाहर ले जाओ। देखो अभी अपने बहू के साथ बाहर जाओगी ना तो थोड़ा संभल के रहना, नहीं तो याद है ना सैया भैया छोड़ो ना।
आरती बेटा, सगाई की रस्म का वक्त हो गया है, बुलाया है तुम दोनों को। सब ठीक तो है ना बेटा? विधि, बिना नाप की अंगूठी है, पता नहीं आरती को आएगी कि नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो। यश भैया, आरती, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो सगाई की रस्म शुरू करें। आइए, यहाँ आइए। आरती बेटा, अंगूठी पहना दो। आरती बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, यश जी को अंगूठी पहनाओ। दो लोग जो आपस में प्यार ही नहीं करते, वो एक बंधन में बंधे जा रहे हैं। प्यार व्यार ना सिर्फ मन को बहलाने के लिए होता है, बस। आज की जिंदगी में एक औरत और एक मर्द के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, फिजिकल रिलेशनशिप। तू तो अपने बेटे के लिए शादी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। यश भैया,
मेरी देवरानी थोड़ी सी शर्मीली है, अपना हाथ आगे बढ़ाइए ना। हुआ बेटा?